गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर टू क्या, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस इज अ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ अ रेडियस इज अ 6 सेंटीमीटर द मेजर्स इट्स लेंथ एंड ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। सबसे पहले बेटा क्या है कि 2 सर्कल है 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड 9 स्टैंडर्ड बेटा बड़े कॉन्सेंट्रिक सर्कल डे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स सेंटर सेम रेडियस डिफरेंट। ये सेंटर है सर्कल है 4 सेंटीमीटर दूसरा सेंटर है बेटा राइट और ए डिस्टेंस ए रेडियस और अनदर रेडियस दिस रेडियस इज कॉल्ड एज अ सेंटर सेम दोनों का पर बट रेडियस आर डिफरेंट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट मेजर द 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हो गया क्लियर। हमको 6 सेंटीमीटर सर्कल मेजर करना है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इज इट क्लियर 6 सेंटीमीटर अब नाउ 4 सेंटीमीटर इज इट क्लियर। अब नाउ सेंटर ओ ड्रॉ द लाइन नाउ इज पॉइंट पी अब बाइसेक्टर ऑफ लेंथ सेगमेंट ओ बी बाइसेक्टर मीन्स हाफ से ज्यादा इज इट क्लियर। ड्रॉ द लाइन जो इंटरसेक्ट पॉइंट कैपिटल एम नाउ मेजर द ओ एम मेजर द ओ एम क्लियर
measure the OM and draw the tangent. Now tangent Q and intersect point R. These are the right angle. Just see four centimeter. These are the 6 centimeter OP. Is it clear? Okay, clear. ये फिर से बेटा क्या किया, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का सर्कल रो किया सेंटर लेके, ठीक है। इसके बाद क्या, 4 सेंटीमीटर सर्कल बनाया और ओपी जॉइंट डैम, ओपी का बाइसेक्टर, दिस आर टेंजेंट, हो गया क्लियर। आपको मेजर हो, आपको आइडिया आ जाएगा, देखो कितना 4 सेंटीमीटर हो गया। अभी देखना बेटा ये 6 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर। अब इसके स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो बेटा हमने किया वर्क कि 4 सेंटीमीटर मेजर किया, इसके बाद 6 सेंटीमीटर मेजर किया, हो गया क्लियर। अब नाउ टेक एनी पॉइंट पी ऑन आउटर सर्कल। आउटर सर्कल कहाँ पे लिया है बेटा, आउटसाइड पॉइंट पी एंड जॉइंट देम ओपी, जॉइंट ओपी। अब नाउ बाइसेक्ट ओपी, हब से ज्यादा, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ओपी, दे एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ओपी। यहाँ पे एम डैश उन्होंने लिखा था, एम डैश लिख दो, एम डैश, ठीक है। के नाउ एम डैश इज द सेंटर एंड ओ एम डैश इज अ रेडियस, एम डैश बी द मिड पॉइंट ऑफ ओपी, यस। बेटा जो वर्क किया है कि टेकिंग एनी पॉइंट पी ऑन द आउटर सर्कल जॉइंट ओपी, बाइसेक्टर ओपी, इसका बाइसेक्टर हाफ से, ठीक है, हाफ से ज़्यादा। कैपिटल एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ओपी, ये कैपिटल एम है जो यहाँ पे वो लिखा था एम, इसलिए मैंने बेटा एम किया था। कैपिटल एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओपी, टेकिंग एम इज अ सेंटर, एम इज अ सेंटर एंड ओ एम इज अ रेडियस, ठीक है बेटा, हमें रेडियस। एंड ड्रो सर्कल विद द कट्स द इनर सर्कल क्यू एंड आर, इनर सर्कल कौन से बेटा, सर्कल क्यू एंड आर, हो गया क्लियर। जॉइंट पी क्यू एंड पी आर, जॉइंट पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो ऑन मेजरिंग पी क्यू एंड पी आर वी गेट पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू 4.47, राइट, मेजरिंग किया। अब एक्चुअल कैलकुलेशन है ये जो क्या लिखा है हमारा बेटा, मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल कैलकुलेशन। तो जो राइट एंगल बन गया है, देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको पता चले ये जो राइट एंगल है हाइपोटेनियस ऑपोजिट साइड के। नाउ ट्रायंगल एपी क्यू एंड ओ इज राइट एंगल इज 6 सेंटीमीटर। टेंजेंट हमको बड़ा फाइंड किया, पी क्यू इक्वल टू पी आर 4.7 है, ये 4 है, राइट। तो ना हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या, हाइपोटेनियस स्क्वायर। नाउ ट्रायंगल पी क्यू ओ एंगल क्यू इक्वल टू 90, नाउ ओ पी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर इज अ 6 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू स्क्वायर हमको फाइंड करना है टेंजेंट, प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज अ 4 स्क्वायर। नाउ 36 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 16, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 16। तो नाउ पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 16, नाउ पी क्यू इक्वल टू 20 पी क्यू स्क्वायर, नाउ पी क्यू इक्वल टू रूट ट्वेंटी मीन्स 5 4 20। तो नाउ 5 4
फोर इंटू फाइव, तो इसका रूट बड़ा क्या आएगा, टू रूट फाइव, रूट फाइव की पुट करोगे वैल्यू, तो पी क्यू इक्वल टू, पी क्यू इक्वल टू 4.47। क्लियर हो गया, क्लियर। और पी क्यू और पी आर एक्स जरा मेजर करोगे दोनों सेम ही आ गया, एक्चुअली वर मेजर ही हो गया, क्लियर है। आपको एग्जाम में पूछे क्वेश्चन तभी, देखो हमको क्या है कि मेजर इट्स लेंथ हमने फाइंड कर दिया, राइट। वो मेजर कैसे लेंथ फाइंड करते हैं, स्केल से पी क्यू हो गया, क्लियर। वो मेजर करते हो, और दूसरा हमने क्या किया, पाइथागोरस फाइंड करने के बाद ये जो सॉल्व किया वो हो गया, क्लियर। अब नाउ वन मोर क्वेश्चन, ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उसमें 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। टेकिंग ए पॉइंट ऑन द आउटर सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द अदर, मेजर द लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड वेरीफाई इट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या करना है हमको, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, राइट। कि 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देते। देखो यहाँ से 5 सेंटीमीटर, क्लियर। 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, हो गया क्लियर 5 सेंटीमीटर। नाउ 3 सेंटीमीटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स सेंटर सेम रेडियस डिफरेंट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर। सेंटर हो, दिस पॉइंट इज पी, आउटर सर्कल, अब नाउ बाइसेक्टर, ओपी बाइसेक्टर, draw the line,
इज इट क्लियर? नाउ इंटरसेक्ट पॉइंट कैपिटल एम. अब नाउ एम सेंटर एंड मेजर द ओ एम. Is it clear? Draw the tangent. Right angle is a Q and now R. Now 5 cm and now these are the 3 cm. Okay, clear. Actually measure करोगे length of tangent तो आपको मिल जाएगा सेंटर ओ से. ठीक है, चलो हम वेरीफाई जो एक्चुअली पहले मेजर करना है स्केल से हम फाइंड कर रहे हैं. ये हाइपोटेनस स्क्वायर के नाउ ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू ओ ओ एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल क्यू 90 डिग्री, राइट? तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर या पी क्यू स्क्वायर. ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर. वॉट इज द वैल्यू ऑफ ओ पी? ओ पी इज अ 5 स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू इज अ 3 सेंटीमीटर 3 होल स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर फाइंड करना है. Now 25 equal to 3 square is a 9 plus PQ square. Now PQ square equal to 25 minus 9. 25 minus 9. Now PQ square equal to 16. So PQ equal to 4 centimeter. PQ 4 centimeter. Is it clear? So, tangent भी क्या है आपका measure करना है तो बड़ा 4 centimeter ही होगा PQ. देख लो हो गया क्लियर है 4 सेंटीमीटर. ये जो हमने किया बड़ा क्या था कैलकुलेशन, एक्चुअल कैलकुलेशन था वो वेरीफाई किया. ये वेरीफाई हो गया, कैलकुलेशन हमने कर दिया. देखिए क्लियर 4 सेंटीमीटर. और जो हमने जो मेजर किया है बेटा, देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट भी क्या मिला आपको 4 सेंटीमीटर आया. हो गया क्लियर.